चाबी का छल्ला, वल्ला वल्ला, देख रहे हैं ना आप हमारी चाबी के सारे जलवे। तो एक काम क्यों नहीं करते, सुरभि चांदना और सनाया ईरानी के फैशन के जलवे भी देख लीजिए, यहाँ पर कितने मजेदार है, देखिए ना। क्या होता है जब मिलती है टीवी की दुनिया फैशन की दुनिया से? फर्स्ट ऑल लाफ। क्या होता है जब आपके फेवरेट टीवी सितारों को सजाते हैं देश के चुनिंदा फैशन डिजाइनर्स? और ऐसा ही कुछ हो रहा है जी इंटरनेशनल, जी फाइव और जी कैफे पर आने वाले नए शो द ग्रीडी क्लोसेट में, जहां पर देश के 13 टीवी सितारे मिलेंगे देश के 13 फैशन डिजाइनर्स से, जिनमें शामिल हैं सुरभि चांदना, जिनका मेकओवर करेंगे वरुण बहन, सनाया रानी सजेंगी अबू जानी और संदीप खोसला के चुनिंदा ड्रेसेस में, करण कुंद्रा को नया लुक देंगे कौरव गुप्ता, अनिता हसनंदानी सजेंगी तरुण ताहिरयानी के कपड़ों में, करण वाही मिलेंगे देश के जाने पहचाने डिजाइनर कुणाल रावल से, विवेक धैया को स्टाइल करेंगे राघवेंद्र राठौर, रश्मि दामी सजेंगी पायल सिंघल के हाथों से, सुरभि ज्योति को स्टाइल करेंगी नीता लुल्ला, अपाया खंडवाला और रिद्धि डोगरा का होगा मिलन, सीनियर अभिनेत्री मनीरा बेदी का मेकओवर करेंगी नम्रता जोशीपुरा, भैया भी आगे शो में दिव्यांका त्रिपाठी भी नजर आएंगी मनीष मल्होत्रा के साथ, रितु कुमार, मोनिशा जयसिंह और श्वेता बच्चन जैसे नाम होंगी द ग्रीडी क्लोसेट का हिस्सा। लेकिन आज सास बहू और बेटिया में देख लीजिए कुछ खास एपिसोड्स की झलक। सबसे पहले चलते हैं सुरभि चांदना के पास। लौट आई है सुरभि चांदना एक नए लुक, एक नए अंदाज और एक नए शो में। पेशबाज की अनिका काफी दिनों से अपने फैन से दूर थी, लेकिन अब सुरभि एक नए अंदाज में दिखेंगी और ये अंदाज है बेहद फैशनेबल और स्टाइलिश, और जिसकी झलक लेकर आया है आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। कभी ब्लैक ड्रेस में, कभी इस एंसेंबल ड्रेस में, सुरभि तो एक है लेकिन इनके अंदाज अलग है और ये अंदाज आपको जल्दी दिखाई देंगे जी इंटरनेशनल के आने वाले शो ग्रीडी क्लोसेट में, जहां पर हो रहा है टेलीविजन और फैशन का महासंगम। और इस खास शो की खास मेहमान है सुरभि चांदना, जिनका होने जा रहा है इस शो में मेकओवर, क्योंकि इस शो में टीवी के मशहूर सितारे मिलते हैं भारत के लीडिंग फैशन डिजाइनर से, जो उनको फैशनेबल होने के टिप्स देते हैं, उनका मेकओवर करते हैं और फिर होता है एक चकमकाता हुआ फोटोशूट। और ऐसा ही फोटोशूट कराएंगी सुरभि चांदना और लेंगी तरह तरह के लुक, करेंगी खास तरह का मेकअप और वरुण बहन उनकी स्टाइलिंग करेंगे और ग्रूमिंग करेंगे अपने शानदार कपड़ों के साथ। तो आज पूरा दिन सुरभि हमारे साथ करेंगी एक फैशन वाला डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की मुंबई में वरुण बहल के स्टोर में, जहां हमें सुरभि मिली इस ब्लैक ड्रेस में। हाय गाइस, मैं हूं सुरभि चांदना, काफी टाइम के बाद आ रही हूं और आते ही ऐसा धमाकेदार स्टोर में आई हूं, वरुण बहल के स्टोर में आई हूं, और यहां पे जो कपड़े हैं उनको देख के मैं गिर चुकी हूं। एंड बाय द वे आई एम वेयरिंग वन ऑफ हिज क्रिएशंस राइट नाउ, व्हिच इज अ नाइस सिंपल ब्लैक ड्रेस, बट इसके बाद जो ड्रेस होगी ना वो होगी धमाकेदार देखने वाली। तो वेट एंड वॉच कि मैं क्या बन के आती हूँ और क्या लगने वाली हूँ। इश्कबाज ने सुरभि को युवाओं के बीच लोकप्रिय किया। इस शो में अनिका की स्टाइलिंग सबको काफी पसंद आई थी और रियल लाइफ में भी सुरभि काफी स्टाइलिश है, बहुत सिंपल तरीके से वो हमेशा अच्छी दिखती है। लेकिन आज वरुण बहल के साथ वो अपने लुक का एक ऐसा नजारा दिखाएंगी जो इससे पहले किसी सीरियल या शो में आपको नहीं दिखा होगा। ग्रीडी क्लोसेट जी इंटरनेशनल पर आने वाला ऐसा शो है, जहां पर ये फैशन डिजाइनर टीवी सितारों के साथ मिलकर फैशन की बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इस शो को होस्ट कर रही है मशहूर सिंगर और अभिनेत्री मोनिका डोगरा। तो मोनिका ने कराया सुरभि और वरुण का परिचय, ढेर सारी फैशन की बातें हुई, अब वरुण ने जिम्मेदारी ली है कि वो सुरभि को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। भाई फैशन पर सुरभि, वरुण और मोनिका ने ढेर सारी बातें की, लेकिन अब बारी है मेकओवर की। इसके लिए सबसे पहले वरुण बहल के कलेक्शन से कॉस्ट्यूम चुननी है। इसके लिए वरुण, मोनिका और सुरभि ने वरुण के कॉस्ट्यूम्स देखे और फाइनली वरुण ने चुना सुरभि के लिए ये कॉस्ट्यूम। लेकिन इसके लिए पहले सुरभि को अपना लुक बदलना होगा, इसके लिए हम चलते हैं वरुण बहल के स्टोर के इस मेकअप रूम में, जहां सुरभि का मेकओवर शुरू हुआ। भाई सबसे पहले उनके चेहरे का टोन बदला गया, उसके बाद आई मेकअप, सुरभि की आंखों को एक अलग ढंग से इस मेकअप टीम ने पेश किया।
चेहरे और आईज के मेकअप के बाद बारी है होठों के मेकअप की। ये काम सुरभि खुद करती हैं। भाई उनको पता है कि उनके ऊपर कौन से लिपस्टिक के शेड सूट करते हैं। इसके बाद बारी थी ब्लश ऑन लगाने की और ग्लिटर लगाने की। उसके बाद हेयर स्टाइलिंग पर काम हुआ और उसके बाद आई कॉस्ट्यूम की बारी। भाई वरुण बहल के स्टोर में है ढेर सारे कॉस्ट्यूम्स, लेकिन सुरभि ने चुना फाइनली एक व्हाइट कॉस्ट्यूम। वैसे ग्रीडी क्लोसेट को बना रहे हैं मशहूर प्रोड्यूसर शमसी अब्बास और उनकी टीम, और इससे पहले सुरभि शमसी के साथ उनके शो अ टेबल फॉर टू में भी काम कर चुकी हैं। और जरा देखिए शमसी कैसे सुरभि को तैयार होने में मदद कर रहे हैं। I couldn't say no to Shamsi because of the innovation वो ला रहे हैं शो में। इनोवेशन क्या बेसिकली एक कॉज ही है। काफ़ी टी वी सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स नहीं पहनते हैं, और उनके उसके पीछे मुद्दा क्या है वो शमसी बताएंगे। उसके पीछे मुद्दा ये है कि आज तक किसी ने ट्राई ही नहीं किया था और हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। देखिए देख लीजिए, ये करना पड़ रहा है मेरी। नहीं, पर आपका ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में, इस थॉट के बारे में? यू वांट टू स्प्रेड सम अवेयरनेस, कुछ बोलना चाहेंगे आप? थॉट ये है कि एक फैशन वर्ल्ड है और एक टीवी वर्ल्ड है, और ये कभी एक साथ नहीं आया था आज तक, और इसको आना चाहिए था। जैसे कि बॉलीवुड और फैशन साथ में रहता है, राइट? तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी चेंज कर दिया जाए। तो ये थैंक यू फॉर दिस थॉट दैट यू हैव। फाइनली सुरभि रेडी है और वरुण बहल का कॉस्ट्यूम देखिए उनकी खूबसूरती को कैसे बढ़ा रहा है। तो हो जाए एक फोटोशूट। सुरभि का मेकअप काफी सिंपल है और हेयर स्टाइल भी सिंपल, लेकिन उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है वरुण बहल का ये लहंगा जो उनके खास कलेक्शंस में से है। भाई वरुण ने सुरभि की पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए इस लहंगे को चुना और दे दिया उनको एक अनोखा लुक। इसके बाद मोनिका डोगरा, वरुण बहल और सुरभि ने ग्रीडी क्लोसेट के कई और कुछ रोचक लम्हों को शूट किया और शो का अंत हुआ इस खास गिफ्ट के साथ। इसके बाद बारी थी एक फोटो सेशन की, जहां पर वरुण, मोनिका और सुरभि चांदना ने ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई। वरुण बहल भारतीय फैशन का जाना पहचाना नाम है और सुरभि के साथ उनका ये मिलन काफी रोचक था, जो सुरभि के लिए एक बेहद सम्मान का मौका था, तो वरुण के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस। यू कैन सी हाउ आई लुक, आप लोग खुद जज कीजिए, बट मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। एंड ऑल थैंक्स टू वरुण, एंड आई हैव टोल्ड हिम एंड आई हैव थैंक्ड हिम दैट आई एम वेरी फॉर्चूनेट टू बी वेयरिंग दिस। थैंक यू, यू लुक वंडरफुल एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया है, प्रोग्राम नहीं किया है, कपड़े तो बनाए हैं, बट यू लुक वंडरफुल, थैंक यू। बस आई हैव गॉट द कॉम्प्लीमेंट एंड ही इज मेड माय नाइट, माय डे, माय रेस्ट ऑफ द ईयर, इयर्स। थैंक यू वरुण, थैंक्स। तो चलिए आज हम आपको मिलवाने वाले इस डिज़ाइनर वरुण बहल से, जिनके स्टोर में हमें जो बहुत खूबसूरत है। सो वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम वेरी वेल, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और आपके ड्रेसेस, आपके डिज़ाइन आर जस्ट ऑसम। सो आज क्या खास हो रहा है, प्लीज़ बताइए। आज इस हमारा एक शूट हो रहा है, तो स्टोर में थोड़ा सा केओस है और जगह हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है, बट कपड़े यही हैं, पर इन जिस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए वैसे नहीं, क्योंकि हमने बहुत शिफ्टिंग कराया आज। सो यार, दिस मेरा ये नया स्टोर है बॉम्बे में, 6-7 महीने पहले खोला है, एंड बहुत सालों बाद मेरे को इतनी अच्छी स्पेस मिली बॉम्बे में। 2-3 साल तक मैं ढूंढ रहा था, मुझे ऐसी सीलिंग हाइट चाहिए थी, जो हम दिल्ली से हैं तो हमारे पास जगह वहाँ ज़्यादा आसानी से मिलती है, बॉम्बे में जगह ढूँढनी थोड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली से आप मुंबई आए हैं और आई कैन से कि दिल्ली का फील लेकर आए हैं, बिकॉज इट्स अ ब्राइड एंड लहंगास एंड ऑल दैट, राइट? दिस ब्राइडल एसेंशियली सब ज़्यादा ब्राइडल वेयर है यहाँ पे, बट देयर इज 2-3 सेक्शंस हैं जो ज़्यादा जो ब्राइडल के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू योर डिज़ाइन वरुण, क्या खास होता है आपके डिज़ाइन में? देयर शुड बी वन ट्रेडमार्क ऑफ वरुण बहल इन दैट, राइट? आई थिंक हर इंसान अपने तरीके से सब कुछ करता है, तो हम ज़्यादा फ्लोरल्स एंड एम्ब्रॉयडरीज एंड टेक्सचर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं, तो हमारा खासियत वो है। एंड सिलुएट्स हमारे ट्रेडिशनल इंडियन होते हैं, बट जो हमारे आर्ट वर्क्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेडिशनल इंडियन नहीं होते हैं।
उनमें थोड़ा यूरोपियन कलर सेंस एंड सॉफ्टनेस होती है। सो क्यों ना आप एक छोटा सा हमें अपनी कुछ अटायर्स के बारे में दिखाएं प्लीज। दैट्स इट, दिस ये मेरा फेवरेट कलर है आइवरी, जिसके ऊपर कलर्स हैं वो मेरे फेवरेट कलर्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। तो ये ट्रेडिशनल इंडियन सिलुएट है, लहंगा है, लेकिन उसके ऊपर जैकेट है और एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप का पेपलम टॉप है और इसमें दुपट्टा नहीं है। सो इट्स अ इंडियन भी है और नहीं भी है। सो इट्स फॉर अ ग्लोबल वुमन, इट्स एनीवेयर यू कैन वेयर इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर एनी ओकेजन, बट यू डोंट, इट्स नॉट नेसेसरीली अ ब्राइडल आउटफिट। Amazing. लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ you have lots of colors and especially pastel shades. So I guess this is the end nowadays. Well, हमारे ब्रांड के बहुत major essential part है light pastels and sort of bright florals on it. तो pastels तो आपको हमारे collection में हमेशा दिखेंगे, but there are a lot of dark colors also. So now let's have a quick fun rapid fire session. ठीक है, let's stand that side, so that पीछे सेटअप चल रहा है, so let them do that. Okay, so सबसे पहले जब भी कोई आपके स्टोर में आता है, so सबसे पहला सवाल उनका क्या होता है? सबसे पहला सवाल, I think सबके अलग अलग सवाल होते हैं, जिस तरीके के सामान वो ढूंढ रहे होते हैं. So most quirky question you ever get कि अरे यार ये क्यों पूछ ले रहे हैं? Discounted rack कहाँ पे है? वो फिर हम मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं होता. और किस तरह की गई उनकी तरह से when it comes to their sizes? You see, हमारा this is a couture store, but यहाँ पे customized होता है सब कुछ. So sizes बनते हैं, हर type के size बनते हैं, सबके लिए बनते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये उसमें बहुत perfect लग रहा है, but she is not convinced. तो किस तरह आप उसे फिर वही तो हमारा काम होता है उनको convince करना किसी तरीके से, because तभी वो designer के पास आते हैं. कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनते तो फिर वो सफर करते हैं. ओके, सो किस तरह व्हेन इट कम्स टू कोई आया आपके स्टोर पे एंड इफ समबडी आस्क सर वो डिस्काउंटेड वाला आपने कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे कब रिएक्ट करते हैं? नहीं होता हूँ तो मेरे को सुनने में बताया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेरे से कोई नहीं पूछता लकीली. ओके, व्हेन इट कम्स टू द ड्रेसिंग एज योरसेल्फ अ डिजाइनर, सो आई क्विकली आस्क यू एंड यू नीड टू गिव कि इस ओकेजन पे क्या बेस्ट लगता है. Ready? Yeah. So when it comes to the airport look, what to take? You know, comfortable travel, leisure, sporty. Because nowadays airport looks are very in. Everyone is carrying something and then coming out from the airport, right? When you are stylish, every look is in. It doesn't mean कि आप airport जा रहे हो तभी आप stylish बनके जा रहे हो क्योंकि आपके वहाँ पे कोई photo खींच रहा है. But you are, I mean, अगर आप stylish हो तो फिर आप stylish हो. Okay, when it comes to the dinner date, pehli dinner date, so what do we have? Your most favorite outfit? Your lucky outfit? Okay, and when it comes to the interview? Interview? Jo aapko sabse zyada represent karta hai aapka look, wo? Okay, agar koi ladki pehli baar milne ja rahi hai sasural se to kya pehne? That is a different mindset. I think things have changed. Ab jo jisko pehnna hai wo pehnte hain. And I think it's a good change. So ek favorite like every time good to go attire kaun sa hota hai? Mere liye to mera track suit hota hai. My track pants and my t-shirt. My black t-shirt and my track pants. But at last, we would love to know about your story from where you started, like the name became Varun Pehel. So many years ago, 15 years ago, and I, मेरे को यही करना था और मैं यही कर रहा हूँ. I'm living my dream in a way. It's been wonderful the whole journey. बहुत hard work भी होता है, कुछ lows होते हैं, कुछ highs होते हैं. It's been fun. So, जो new designers हैं, जो आपको as a role model देखते हैं, what do you want to say to them? Role model, I don't know, like, I just wanted to say something. Designers, I mean, follow your heart और क्या जो आपको करना है वही करना चाहिए, बाकी otherwise you won't be able to succeed. You have to do what you want to do. Come on, you have to balance it out a bit, but do whatever you want to. Follow your heart.
वह सास वो बेटिया के साथ सुरभि के इस फैशन डे आउट में अभी कुछ और लम्हे बाकी हैं, क्योंकि इस ड्रेस को पहनकर सुरभि बिल्कुल राजकुमारी बन गई। और राजकुमारी के जब पंख लगते हैं तो रुकते नहीं। सिंपल मिनिमल ज्वेलरी, सिंपल मेकअप और उस पर वरुण बहल का ये लहंगा सुरभि को बिल्कुल दुल्हन जैसा लुक दे रहा है। और सुरभि के लिए भी ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था जो आज उन्होंने सास बहू और बेटिया के साथ शेयर किया। इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। खैर, मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया एंड आई थिंक शम्सी एंड द एंटायर टीम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद द होल थॉट ऑफ गेटिंग द टीवी सेलिब्रिटीज एंड द बिगेस्ट डिजाइनर्स, यू नो, फैशन डिजाइनर्स टू कोलैबोरेट, टू गेट टुगेदर ऑन सच अ प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एंड मैं उन्हें ना नहीं कर पाई एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया ये करने में। काफ़ी लुक्स क्रिएट, दो लुक्स क्रिएट किए। सो या, इट ऑल इन ऑल अ ग्रेट डे। अब बारी है पहले एपिसोड की झलक की, क्योंकि पहले एपिसोड में नजर आएंगी सनाया ईरानी, अबू जानी और संदीप खोसला के कपड़ों में। दिस इज माई प्रिंसेस डायरी मोमेंट। मेरा मन कर रहा है मैं फिर से शादी करूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। आई एम एट द अबू जानी संदीप खोसला स्टोर एंड मैं ग्रीडी क्लॉजेट पे हूँ। दैट्स अ शो दैट विल बी कमिंग ऑन एयर एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई गॉट टू मीट देम। मेरे लिए एक्चुअली इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देम बिकॉज अब तक तो इफ़ यू सी द टॉप डिजाइनर्स ऑलवेज कोलैबोरेट विद बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक दिस द फर्स्ट टाइम दे आर गेटिंग टू मीट पीपल फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री विच इज न्यू एंड डिफरेंट एंड आई होप दे एंजॉयड माई टाइम विद देम। अबू जानी और संदीप खोसला ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई नामी गुरानी चेहरों को सजाया है, लेकिन आज सनाया ईरानी उनके कपड़ों में सज रही हैं। देखिए कैसे अपने घाघरे को घुमा रही हैं। वैसे उनका मेकओवर हुआ अबू जानी और संदीप खोसला के मुंबई वाले स्टोर में। लग रहा है ये मेरा प्रिंसेस मोमेंट है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट। आई थिंक द फेवरेट कलर इज व्हाइट। उन्होंने व्हाइट के साथ खेला है इस आउटफिट में। They've given subtlety of pink नीचे and अगर आप ब्लाउज भी देखोगे वाइट पर्ल वर्क है। उनका पूरा काम थ्रेड वर्क वाइट में है एंड देन देव गिवन लाइक डिफरेंट शेड्स ऑफ सीक्वेंसेज ऑन इट। तो मुझे बहुत ही ऑब्वियसली आई डोंट थिंक देर इज़ एनी आउटफिट जो सुंदर नहीं लग रहा है इधर। आई एम जस्ट लकी दैट आई एम वेयरिंग वन ऑफ द फेवरेट कलर्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड इनफैक्ट मैं ये उनको भी कह रही थी कि व्हेन यू थिंक अबू जानी संदीप खोसला यू थिंक बेज एंड गोल्ड एंड वाइट एंड सीरीन एंड देन सडनली पॉप दे विल ब्रिंग लाइक दिस पॉप ऑफ कलर्स इन एन आउटफिट या पॉप ऑफ मिरर वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड दे डू इट सो वेल। उनका कलर स्कीम, उनका द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट काइंड ऑफ कलर टू पॉप विथ इज जस्ट इट्स गॉर्जियस। उनका एक कलेक्शन है जो एक्चुअली आई थिंक इज इट्स जस्ट स्ट्रक मी अलॉट इज़ द खादी कलेक्शन। उन्होंने खादी पे कुछ बहुत ही सुंदर काम किया है एंड इट्स लाइक इट्स ऑसम। यू ऑल विल सी इट इन द एपिसोड, आप देखोगे। सो आई जस्ट आई मीन मैं क्या बोलूँ, देयर इज नथिंग दैट आई डोंट लाइक हियर। आई वांट टू लाइक दिस इज माई ग्रीडी क्लॉजेट, मुझे सब ले जाना है घर पे। वैसे द ग्रीडी क्लॉसेट की होस्ट मोनिका डोगरा का स्टाइल भी कुछ कम नहीं। भाई फैशन और टीवी के संगम में मोनिका का भी बड़ा हाथ है। एक्चुअली आई डोंट होस्ट दैट मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव होस्टेड अ शो। आई हैव बीन अ जज ऑन अनदर शो एंड आई वाज इन खतरों के खिलाड़ी, बट अदर देन दैट आई हैव नेवर होस्टेड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट्स स्पेशल ऑन द ग्रीडी क्लॉसेट। आल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टीवी एंड फैशन आर मीटिंग, which is going to be a very special thing to finally have on TV. Abu Jani and Sandeep's store is so beautiful. First of all, you walk in and it's just a magical, magical place. And Sanaya is such a beautiful girl. She's so funny. Everybody's been a joy, an absolute joy to work with. I would say to all of you viewers, The Greedy Closet will bring together all of your favorite TV stars and your absolute favorite fashion stalwarts. And we'll do a little bit of gossip, we'll do a little bit of musty, and you'll see some fabulous transformations.
It's just so much fun to shoot, so I'm certain it will be so much fun to watch. तो तैयार रहिए अगले हफ्ते कुछ और चुनिंदा टीवी सितारों और फैशन डिजाइनर्स के इस मेले में शामिल होने के लिए जो आपको दिखेगा सास बहू और बेटिया में. आप लोग बिहाइंड द स्टोरीज ऑफ ग्रीडी क्लोजेट सिर्फ सास बहू बेटिया पर देख सकते हैं, ओनली ऑन आज तक. तो देखते रहिए. वैसे द ग्रीडी क्लोजेट को आप जी इंटरनेशनल के साथ साथ ऑनलाइन जी 5 पर भी देख सकते हैं और साथ साथ जी कैफे पर भी. और इसकी हर झलक है सास बहू और बेटिया में. मुंबई से प्रियांशु झा और श्रुति बचाता के साथ आज तक ब्यूरो.